आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज छतों पर बहुत ज़्यादा रौनक है और सब ने अपने घरों पर छतों पर तिरंगे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी पतंग जो है वो कट करके आ चुकी हैं। इब्राहिम, आपको पतंग उड़ानी आती है? ट्राई करो, थोड़ी थोड़ी नीचे लटका के ट्राई करो। और यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम ट्राई कर रहे हैं पतंग उड़ाने की। बिस्मिल्ला पढ़ के उड़ाओ। चलो, वाह वाह, बेटर है। हाँ तो बेटा, तुम लोग तो उड़ाते ही नहीं हो ना। जो लोग रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, उन लोगों को आती है उड़ानी। अब तुम आए हो, पिछले साल तुमने ट्राई की थी या इस साल की अब है? तो गाइज, अभी हमारा घर ना बना हुआ नहीं है, तो सबके घरों से काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर कट करके ना पतंग बहुत ज़्यादा, मतलब काइट्स ना बहुत ज़्यादा आ जाती हैं हमारे छत पर। और नीचे घर होने का एक नुकसान और भी है कि हम अपनी छतों की कितनी भी सफाई कर लेना, तो लोग यहाँ पर आसपास के लोग भी कूड़ा फेंकते ही रहते हैं। कभी कहीं पर कोई बॉटल पड़ी हुई होती है, कहीं कुछ पड़ा हुआ होता है, कहीं कुछ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो नीचे घर होने का भी ये एक नुकसान है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारा घर भी बन जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। से तो आज अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। कभी कभी धूप निकल रही है, लेकिन सारे टाइम जो है ना वो हवा भी चल रही है, और कभी लगता है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन खैर बारिश भी आई नहीं है। वरना 15 अगस्त पर तो मोस्टली ऐसा होता है कि बारिश आ ही जाती है। तो खैर, अल्लाह पाक अभी फ़िलहाल बारिश ना आए, बस हवा चलती रहे, क्योंकि सब जो है ना वो पतंगबाजी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में तो 15 अगस्त पे पतंगबाजी होती ही होती है, और यहाँ पर हम रहते हैं साइड पर तो फिर भी कम है। जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। तो खैर, आप सबको एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डेजी का दांत, और आज इसका दांत टूटा है डेजी का। और ये यहाँ से देखो, ब्लड दिख रहा है। तो बेबी, तो डेजी एकदम से काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो गई थी, और इसका मैं दांत टूटा हुआ दिखा, और अभी ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रही है, और बस भाग रही है और अलग जाके बैठ रही है। और ये रहा डेजी का वो वाला दांत जो अचानक से टूट के गिर गया। पहले से हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसका दांत टूटने वाला है, लेकिन ये 5 महीने की होने वाली है, इसलिए इसका ये वाला दांत जो है ना वो टूट गया। ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें डरने की कोई बात है। उसके बाद ये दांत इसका फिर से आ जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको शेरदिल से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये है हमारा प्यारा शेरदिल। इसे शायद आपने पहले भी कभी किसी और वीडियो में देखा होगा। तो इस टाइम ये खेल रहा है। और आज मैं यहाँ पर एक लाइफ हैक ट्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने अक्सर देखा है 1 मिनट क्राफ्ट वगैरह में, कि ये इस तरह से प्रेस वगैरह या जली हुई चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, तो इसे ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बिछा लिया था, और फ़ाइल के ऊपर मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, और प्रेस को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये ऊपर की साइड से ना जल गई है, और ये अक्सर जो है ना वो कपड़े भी जला देती है अगर ध्यान ना करें तो। तो यहाँ पर मैंने प्रेस को कर दिया है ऑन, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये किसी तरीके से साफ़ हो जाए। प्रेस जो नीचे से ये जल चुकी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये काम होने वाला है। तो देखते हैं कि जो लोग इसकी वीडियो बनाते हैं वो सही है या गलत है।
तो फिलहाल अभी तक तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से रगड़ कर कि शायद ये नीचे से अच्छी तरह से पूरी क्लीन हो जाए। तो खैर प्रेस तो क्लीन हो रही नहीं है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे उल्टा। ये जो बेकिंग पाउडर है ना ये प्रेस के अंदर तक चला गया है और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसे किस तरह से निकालेंगे। अभी मैं आपको प्रेस को दिखाती हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर ट्राई करती जा रही हूँ लगातार कि शायद थोड़ी आगे जाकर थोड़ा सा और टाइम देकर ये नीचे से क्लीन हो जाए और जो ये कपड़े जला रही है ना प्रेस, उससे कपड़ों का जलना जो है वो बंद हो जाए। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रेस जो है ना वो अभी तक बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई है और बेकिंग पाउडर जो है ना वो इसके अंदर तक के छेदों में ना जा चुका है। तो खैर ये वाला लाइफ हैक जो था ना वो बहुत ही बेकार था और लोग कुछ इस टाइप की वीडियो बनाकर जो डालते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बाकी इससे होता कुछ नहीं है। कोई कोई से लाइफ हैक होते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लेकिन ये वाला जो लाइफ हैक था ना वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में और डिनर की तैयारी कर रही हूँ और सब्ज़ी जो है ना वो बन चुकी है और मैंने सोचा लाओ मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। डेजी डेजी क्या हो गया क्या हो गया? हाँ हाँ कितना पैसा बचा सकती है? कुछ नहीं, भी नहीं आएगा, लाइट भी जल रही है।